पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की सजा का 17 जनवरी यानी कल ऐलान होना है। राम रहीम की सजा के ऐलान से ठीक पहले फतेहाबाद की किलेबंदी कर दी गई है। किलेबंदी के लिए फतेहाबाद में बीएसएफ की कंपनी तैनात की गई है। वहीं बीएसएफ के साथ साथ हरियाणा पुलिस के सैकड़ों जवान चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। डीएसपी हेडक्वार्टर धर्मवीर पुनिया ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि फतेहाबाद में 16 संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जहां नाके लगाए गए हैं और हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। डीएसपी ने बताया कि सभी थाना क्षेत्रों को अलर्ट पर रखा गया है और सभी थाना एसएचओ को सुरक्षा की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा फतेहाबाद के डीसी की अध्यक्षता में मीटिंग की गई है और डीसी की ओर से 20 जनवरी तक जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, डेरा प्रेमियों के साथ बैठक कर उनसे शांति बनाए रखने की अपील प्रशासन और पुलिस की ओर से की गई है। डेरा प्रेमियों के साथ बैठक में अभी तक किसी तरह की गड़बड़ी के इनपुट प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी सीआईडी और पुलिस के खुफिया तंत्र को अलर्ट मोड पर रखा गया है और डेरा प्रेमियों की हर गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश सीआईडी और पुलिस खुफिया विंग को दिए गए हैं। डीएसपी ने बताया कि सभी संवेदनशील क्षेत्रों में बीएसएफ के जवान और हरियाणा पुलिस के जवान पर्याप्त मात्रा में तैनात किए गए हैं। डीएसपी ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। सभी होटल, धर्मशालाओं, रेस्टोरेंट आदि की चेकिंग की जा रही है और सभी मैनेजर व संचालकों को संदिग्धों पर नजर रखने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। माननीय सीबीआई कोर्ट ने जो फैसला सुनाना है उसको मद्देनजर रखते हुए फतेहाबाद पुलिस ने सुरक्षा पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। 16 जो जगह है, जो सेंसिटिव स्थान है, वहाँ पर नक्या शाम से 5 बजे शुरू हो जाएंगे और सभी जो प्रबंधक थाना है, चौकी इंचार्ज है, सही है, स्पेशल स्टाफ है, सभी को मतलब ये जो ड्यूटियाँ हैं सतर्क होकर देने के लिए कहा गया है। सभी जो होटल है, धर्मशाला है या इस टाइप के जो लॉज वगैरह हैं उनकी चेकिंग भी शुरू कर दी जाएगी शाम से। तो बीएसएफ की बीएसएफ की जो एक कंपनी जो बीएसएफ की है वो सरकार द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई है। जो कितने जवानों की तैनाती है, कहाँ का इंतजाम किया गया है? तैनाती जो ये है, हर एसएचओ जो है अपने अपने इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे और जो फतेहाबाद है, रतिया है, टुवाणा है, वहाँ हम जो डीएसपी है, जो जीओज है, वो अपन अपनी फोर्स के साथ जो है वहाँ तैनात रहेंगे। धारा 144 साल रेडी लगी हुई है, अभी माननीय डीसी साहब ने लगाई है और किसी भी अप्रिय घटना को हर हिसाब से रोका जाएगा। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डेरा प्रेमियों के बारे में जो है माननीय एसपी साहब ने और हमारे द्वारा भी मीटिंग ली जा चुकी है, उनसे कोई ऐसा कोई इनपुट अभी प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी सीआईडी विंग जो है हमारी है और अपने सिक्योरिटी ब्रांच है, उनसे भी इमदाद ली जा रही है, वहाँ से भी कोई मतलब अप्रिय घटना नहीं, कोई इनपुट प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक। फ्लैग मार्च भी किया जाएगा, बाकी जो बीएसएफ है जो वो नाके पर भी तैनात की जाएगी और जो सेंसिटिव अपनी जगह है वहाँ भी तैनात कर दी जाएगी बीएसएफ को। डीएसपी ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फतेहाबाद जिला पुलिस की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। बता दें, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में 17 जनवरी को पंचकूला सीबीआई कोर्ट में दोषी गुरमीत राम रहीम के साथ अन्य तीनों दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई जाएगी, जिसको लेकर पुलिस ने फतेहाबाद में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हिंद एक्सप्रेस के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोगा की रिपोर्ट।